जय हिंद। तो आज की वीडियो हम जानेंगे कि जो है टैली का पार्ट नंबर 5, टैली में ग्रुप क्या होता है, ग्रुप में जो है कैसे बनाते हैं, उसको डिलीट करते हैं कैसे, ग्रुप में एडिट करते हैं कैसे, ये चीजें हम जानेंगे। टैली में हमने बताया था जैसे कि इसके पहले वाली वीडियो में कि 28 ग्रुप हमको बने बनाए मिलते हैं, यदि हम नया बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, ये चीजें हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जो है हम आपको टैली ओपन करना जानते हैं, तो यहाँ से हम इसको टैली को ओपन कर लेते हैं। और टैली जैसे ही ओपन हो जाता है तो सबसे पहले आपको देखेंगे कि टैली जब आप यूज करते हैं, सबसे पहली बात हम आपको बता दें, जब टैली आप यूज करते हैं तो इसमें आप एक चीज़ों का ध्यान देना होगा। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं इसलिए हम आप माउस यूज कर रहे हैं, बट आपको माउस का यूज नहीं करना है, आपको जो है अपने कीबोर्ड का अधिकतर करके आपको कीबोर्ड का यूज करना है। तो जैसे कि देख रहे होंगे आप, टैली का पेज खुल जाने के बाद आपको जो है वर्क इन एडुकेशनल मोड में आ जाना है, W अपने जो है कीबोर्ड से दबाना है, उसके बाद से एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आप आ जाएंगे गेट कंपनी इंफॉर्मेशन पे। जैसा कि हमने अपने जब कंपनी हम लोग बना रहे थे, सीख रहे थे कंपनी बनाना, तो हमने कंप्लीट डिलीट कर दिया था। तो चलिए हम नया कंपनी फिर से बनाएंगे, उसके बाद से आगे की चीज़ें हम आपको बनाएंगे। इसी बीच में जो लोग कंपनी बनाना नहीं जानते होंगे वो भी कंपनी बनाना भी जान जाएंगे। तो चलिए हम जो स्टेप बाय स्टेप इसको बनाते हैं। तो क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे। क्रिएट कंपनी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम अपने कंपनी का नाम देंगे, जो भी हम आप बनाना चाहते हैं। जैसे हम ले लेते हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड हो जाने के बाद यहाँ पर जो है मेलिंग एड्रेस आपको देना है, एड्रेस देना, तो एड्रेस जो भी हो आपका वहाँ पर डाल देना। तो जैसे हम GKP डाल देते हैं यहाँ पर। उसके बाद से और भी आप जहाँ पे डालना चाहते हैं, जैसे हम TP नगर डाल देते हैं। उसके बाद से जो भी आप यहाँ पर देना चाहे दे सकते हैं। उसके बाद से अपनी कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट करना है, तो जो भी आपकी कंट्री होगी उसको सेलेक्ट कर लेंगे, हमारी कंट्री इंडिया। उसके बाद से यहाँ से आप जिस प्रदेश से हैं उस प्रदेश को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पर आप पिन कोड देंगे। पिन कोड दे देने के बाद यहाँ पर उसके बाद से आपको नेक्स्ट आप पे आ जाना। फोन नंबर नहीं तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर अपना डाल सकते हैं, जो भी आपका मोबाइल नंबर है कंपनी का। उसके बाद फैक्स नंबर होता है, फैक्स नंबर है तो डालिए। उसके बाद से यहाँ पर अपना ईमेल डाल देंगे, तो यहाँ पर ईमेल भी आप अपना डाल दीजिएगा। यहाँ पर जो आपकी कंपनी की यदि कोई वेबसाइट है तो उस वेबसाइट को भी यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर जो है फाइनेंशियल ईयर जहाँ से चालू होता है उसको आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, यदि आप इस समय यूज करना चाह रहे हैं तब। यदि कंपनी पुरानी है और डेटा डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उस समय का फाइनेंशियल ईयर डाल सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पर टैली में यदि आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर यस करके आप लगा सकते हैं, बाकी इसको छोड़ दीजिए। आगे आएंगे, इसको हम जो है टैब दबा के या फिर इंटर दबाते हुए हम जो है टैली को सेव कर लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो यस या नो का परमिशन आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर यस आपको कर देना है। जैसे ही आप यस करेंगे आपकी टैली जो है यहाँ पर, टैली में आपकी नई कंपनी जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे ABC प्राइवेट लिमिटेड बन जाएगी, और हम यहाँ पर टैली के गेटवे या टैली पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आ जाने के बाद हम आपको कुछ परिचय करवा, जैसे यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ए हाईलाइटेड है, यदि हमको इसके अंदर तक जाना है या फिर हमको यहाँ पर देखेंगे डी है डिस्प्ले तक आना, तो डायरेक्ट डी दबाएंगे तो हम डिस्प्ले में आ जाएंगे। उसके बाद से हमको यहाँ अकाउंट इन्फो पे जाना है तो ए दबाएंगे, तो इसमें जो भी जो भी वर्ड हाईलाइटेड है उसको हम यदि अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो जो है हमारा हम वहाँ पे डायरेक्टली पहुँच जाएंगे। जैसे हमको अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाना है, हमको ग्रुप बनाने के लिए अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाना पड़ेगा, तो मास्टर के अंतर्गत आपको जो है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इसमें आपको ग्रुप बनाना है, तो अकाउंट इन्फो में आपको जाना है तो ए आप प्रेस करेंगे। जैसे ही ए प्रेस करेंगे आप देखेंगे गेटवे टैली के अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आप आ गए हैं, और यहाँ पर देखेंगे आपको ग्रुप मिल जाएगा। इसका शॉर्टकट आप देखेंगे जी होता है, उसके बाद से लेजर के लिए यल होता है, उसके बाद से वाउचर के लिए वी होता है, और क्वाइट के लिए क्यू होता है। तो लेजर हम अगली वीडियो में जानेंगे बनाना, तो उससे पहले हम ग्रुप बनाना जानते हैं और ग्रुप्स के बारे में जानते हैं, उन जो 28 ग्रुप हमें मिले हुए उनके बारे में हम जानेंगे, कौन कौन से ग्रुप हैं, किसके अंतर्गत क्या आता है, तो ये चीज़ें हम जानेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर देखेंगे आप सबसे पहले ग्रुप में जाना, तो हम जी दबा देंगे या फिर अपने कीबोर्ड से इसको सेलेक्ट करके ऐसे एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको ग्रुप्स में आ गया, और ग्रुप्स में आपको देखेंगे यहाँ पर देखने को मिल रहा है सिंगल ग्रुप्स और उसके बाद से मल्टीपल ग्रुप। तो सिंगल ग्रुप में आपको मिल जाएगा क्रिएट डिस्प्ले और अल्टर, उसके बाद से मल्टी ग्रुपल ग्रुप में भी आपको सेम चीज मिलेगा क्रिएट डिस्प्ले और अल्टर। इसमें आप देख रहे होंगे कि क्रिएट
करने के लिए आपको सी दबाने को कह रहा है, या डिस्प्ले के लिए डी, उसके बाद से अल्टर के लिए, उसके बाद से मल्टीपल में आएंगे तो यहाँ पर क्रिएट के लिए आर है, डिस्प्ले के लिए आई है, और जो है अल्टर के लिए टी है। तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से जो है दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम जो है इसमें जो बने हुए ग्रुप्स हैं उनको देखते हैं। तो उसके लिए आपको डिस्प्ले किया जाता है, डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला जो ग्रुप्स है बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट के ग्रुप्स के अंतर्गत जितने भी बैंक अकाउंट के खाते होंगे सब बैंक अकाउंट्स के अंतर्गत आएंगे। जैसे इंडियन बैंक हो गया, SBI हो गया, RBI हो गया, जितने भी आपके बैंक आते हैं उसके यदि हम खाते अपने लेजर बनाते हैं उसका, तो हम इसके अंतर्गत रखेंगे। इसी प्रकार आप आगे देख लेंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट यहाँ पर आप देख रहे होंगे कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में जितने भी खाते हम अपने कंपनी के लिए बनाते हैं तो उसको जो भी खाते होते हैं कैपिटल अकाउंट, उसको हम कैपिटल में ही रखते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख लेंगे कि जो है जो भी हमारे लाइबिलिटीज के खाते होंगे उसको हम यहाँ पर अपने लाइबिलिटीज के अंतर्गत रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे इनकम के जो खाते होंगे उनको हम यहाँ पर इनकम के अंतर्गत रखेंगे। जो हम टैक्सेस भरते हैं जैसे कि GST हो गया या फिर जो भी टैक्सेस हम भरते हैं तो उसको ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंतर्गत रखेंगे। उसके बाद से जो भी हमारी संपत्ति है फिक्स संपत्ति या चल या अचल संपत्ति जो भी है उसको हम यहाँ पर देखेंगे फिक्स असेट के अंतर्गत जो है हम अपनी अस्थाई संपत्ति रखेंगे, और यहाँ पर करंट असेट है तो इसके अंतर्गत जो है अस्थाई संपत्ति रखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे इनकम के लिए जो भी सोर्स हो गए तो यहाँ पर इनकम वाला रखेंगे। अब नीचे आ जाते हैं यहाँ पर तो देखेंगे परचेज अकाउंट आपको मिल जाएगा। तो जो भी हम सामान खरीद के अपने कंपनी के लिए आते हैं तो उसके लिए जो भी हम सप्लायर का अकाउंट बनाएंगे जो हमको माल सप्लाई करता है तो उसका जो भी हम खाता बनाएंगे उसके लिए यहाँ पर हम परचेज अकाउंट के अंतर्गत उसको डालेंगे। अब उसके बाद से आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपको और भी खाते मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ पर हमने सभी चीज़ों के खातों के बारे में बता दिया तो यहाँ पर जो है सेल्स का एक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर उस सेल्स वाला यहाँ पर आप देख रहे होंगे सेल्स अकाउंट है, तो सेल्स अकाउंट के अंतर्गत जो भी खाते आएंगे जैसे कि हम किसी को माल बेच रहे हैं जो हमारा कस्टमर है हमारे यहाँ से सामान खरीदते हैं उनका जो हम खाता बनाएंगे उसको हम सेल्स के अंतर्गत रखेंगे। नेक्स्ट होता है जैसे कि हम जो सेल्स का अकाउंट बनाएंगे जो हम बेचेंगे उसको तो हम सेल्स के अंतर्गत रखेंगे ही, बट जो हम जो हमारा कस्टमर है यदि कस्टमर हमारा कैश खरीदता है तब तो हम उसका नाम नहीं देंगे, बट यदि कस्टमर हमारा जो है क्रेडिट उधार खरीदता है सामान तो उसको जो है हम सन्ड्री डेबिटर कहते हैं। तो उसका जो खाता हमारा होगा वो उसके अंतर्गत आएगा सन्ड्री डेबिटर के। तो यहाँ आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे सन्ड्री डेबिटर मिल जाएगा कस्टमर के लिए, और हम जहाँ से सामान खरीद के लाते हैं जो सप्लायर हमको माल सप्लाई करता है उसका जो खाता होगा वो हमारे लिए क्रेडिटर होगा, सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत उसको हम रखेंगे। तो इस तरह से हम ग्रुप को मैनेज करते हैं, ग्रुप को स्टेप बाय स्टेप इस तरह से मैनेज करते हैं कि आपको जान गए होंगे किसके अंतर्गत क्या खाते को रखा जाता है। यदि हम इसमें कुछ अलग बनाना चाहते हैं जैसे कि हम किसी और चीज़ का खाता बनाना चाहते हैं तो उसको हम इसमें बनाना जानेंगे। तो चलिए हम बैक चलते हैं, कहीं भी हैं यदि आप टैली में कहीं भी हैं तो उसमें से बैक जाने के लिए आपको ESC की का प्रयोग करना होता है जो कि आपको आपके कीबोर्ड में सबसे दाएं और सबसे ऊपर कोने में मिल जाती है। उसके बाद से हम चलिए अब इसमें क्रिएट करते हैं सिंगल लेजर। पहले सिंगल जो है सिंगल ग्रुप क्रिएशन हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप किसी भी ग्रुप का नाम ले, चलिए हम एक बैंक का अकाउंट बनाते हैं जैसे इंडियन बैंक का। इंडियन बैंक का ले लेंगे, यहाँ पर एलियास में जो है इसका उपनाम होता है, यदि आपके पास है तो दीजिए वरना छोड़ दीजिए, तो हम इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पर जो है अंडर पूछा जाता है कि इसको हम किसके अंडर रखेंगे, तो इसको भी आप चाहे तो किसी के अंडर रख सकते हैं या फिर प्राइमरी भी रख सकते हैं। तो आपको इसको बैंक है तो बैंक के अंतर्गत भी रख सकते हैं एक प्रकार से। इंडियन बैंक में हम कई बैंक बनाना चाहते हैं उसको शाखा सहित, तो यहाँ पर इसके लिए हम इंडियन बैंक का ग्रुप बना लेंगे तो इसको बैंक अकाउंट के अंतर्गत रख देंगे। बाकी आपको यहाँ पर जितने भी ये ऑप्शन दिखाई दे इन सब में कुछ नहीं करना है, आपको बस एंटर अपने जो है कीबोर्ड से प्रेस करते रहना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक्सेप्ट यस या नो का परमिशन मिल जाएगा, इसको आपको सेव कर लेना है। और यहाँ पर देखेंगे हमारा जो है ग्रुप बन चुका है, हम बैक आ जाएंगे ESC की मदद से, और उसके बाद से यहाँ पर हम आके उसको डिस्प्ले कर लेते हैं। डिस्प्ले में आके हम यहाँ पर डिस्प्ले कर लेते हैं जो हमने खाता बनाया उसको जो है
इंडियन बैंक का नाम से हमने बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा बैंक के अंतर्गत आएगा, इसको हम ओपन करके आपको दिखा देते हैं। तो हमने बनाया, जैसा कि यहाँ पर आप सेम देख सकते हैं, जैसे हमने खाता बनाया था यहाँ पर वैसा ही शो हो रहा है। फिर हम बैक आ जाते हैं और यहाँ से आप आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब इसको हम चाहते हैं कि हमारा कुछ गलती हो, इसमें हम सुधार करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। जैसे कि हम चाहते हैं कि इंडियन बैंक ना हो कि हमारा इलाहाबाद था, तो इसके लिए हम जो है अल्टर में आ जाएंगे। अल्टर में आ जाने के बाद इसके अंतर्गत आ जाना है और यहाँ से जो भी अकाउंट में आपको सुधार कर, जैसे इंडियन बैंक में हमको सुधार करना है तो इसमें क्लिक करेंगे और इस पर डबल क्लिक कर देंगे या फिर इंटर प्रेस कर देंगे अपने कीबोर्ड से। उसके बाद से आप यहाँ पर इंडियन बैंक ना हो के हम चाहते थे कि इलाहाबाद हो, तो यहाँ पर आप इलाहाबाद की स्पेलिंग यहाँ पर लिख देंगे। इलाहाबाद लिख देने के बाद आपको जो भी यहाँ पर देना चाहे उपनाम दे के इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पर आप बैंक अकाउंट के अंतर्गत नहीं चाहते इसको प्राइमरी चाहते प्राइमरी करके, उसके बाद से यहाँ पर देना पड़ेगा कौन सा चीज़ है नंबर ऑफ ग्रुप में, तो एसेट है, एक्सपेंस है या फिर इनकम है या लाइबिलिटी है, जो भी आप देना चाहें उसको दे सकते हैं या फिर यहाँ से किसी के अंतर्गत चुन लें, तो ये चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। उसके बाद से आप इसको सेव कर लीजिएगा। अब देखेंगे कि हमारा जो था ये अकाउंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसमें सुधार हो गया। हमें यहाँ पर आप एक बार आपको फिर से इंडियन बैंक में आके यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। अब इंडियन बैंक की जगह वो हमारा यहाँ पर देखेंगे आप इलाहाबाद बैंक हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी ग्रुप में सुधार कर सकते हैं। यदि आप मल्टीपल ग्रुप बनाना चाहते हैं तो मल्टीपल ग्रुप में आएंगे और क्रिएट में हम जाएंगे, यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ पर आप ऑल आइटम भी ले सकते हैं या फिर केवल बैंक अकाउंट्स बना रहे हैं तो उसको लिए आप बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम बैंक अकाउंट से संबंधित खाते बना तो बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हम SBI का अकाउंट यहाँ पर बना रहे हैं और यहाँ पर उसके बाद से हम बना ले रहे हैं PNB का, उसके बाद से यहाँ पर हम बना लेते हैं HDFC का। तो इस तरह से आप जिस भी अकाउंट का बनाएंगे यहाँ पर उसको ऐसे दे सकते हैं, या फिर यदि आपको हम बता देते इस प्रकार से इसको आप टैप करके सेव कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और आप कर सकते हैं, क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ऑल आइटम रखिएगा। यहाँ पर जो देखेंगे लेजर अंडर ग्रुप है तो यहाँ पर आपको ऑल आइटम रखना है और यहाँ पर जो है जैसे HDFC का हम बनाना चाह रहे हैं HDFC 1, मान लीजिए एक हम बनाए हुए हैं तो वो लेगा ना, इसलिए हम यहाँ पर 1 लिख रहे हैं। यहाँ पर आप इसको हमें एक बैंक अकाउंट के अंतर्गत रखना चाहते हैं तो यहाँ पर बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद से यहाँ पर उसको हम रख देंगे। फिर इसी तरह से हम देखेंगे कि हम किसी मान लीजिए कस्टमर का बनाते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर किस में रखेंगे तो MOHAN मोहन, या फिर कस्टमर के लिए डायरेक्ट हम एक कस्टमर का जो है ग्रुप बना देते हैं। यहाँ पर कस्टमर का ग्रुप बना लिया। अब इसके अंतर्गत जो है कस्टमर हमारा सन्ड्री डेबिटर के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर हम इसको सन्ड्री डेबिटर के अंतर्गत रख देंगे। तो जब भी हम सन्ड्री डेबिटर में खाता बनाएंगे तो यहाँ से इसको पूछा जाएगा, तो हम वहाँ सन्ड्री डेबिटर की जगह एक कस्टमर को भी डाल सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर यदि अंडर में आप अलग अलग चीज़ें करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑल आइटम रख के आप इसको बना लीजिएगा। अब हम बैक आ जाते हैं, इससे सुधार करना है तो सेम चीज़ें आप यहाँ पर आकर डिस्प्ले उसी प्रकार से कर सकते हैं। देखेंगे HDFC का बन चुका है, यहाँ पर जो हमने बनाया आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं SBI, PNB, HDFC जो भी हमने बनाया यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद से यहाँ पर सुधार करना है तो यहाँ पर आप अल्टर में आके इसको सुधार कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि HDFC का न रहे तो इसको अल्ट की के साथ डिलीट दबा देंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद से ऑल आइटम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इस सबको देख सकते हैं, पूरा जो हमारा बना हुआ है यहाँ पर आप देख रहे होंगे। इतना समझ में आ गया आपको। यहाँ से हम आ जाते हैं बैक। उसके बाद से हम जो है जो हम सोच रहे हैं कि जो हमने बनाया हुआ है यहाँ पर ग्रुप, हम उसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आएंगे, उसके बाद से हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे HDFC को हम डिलीट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, अल्ट की के साथ आपको डी दबाना है, उसके बाद से यस कर देना है। यस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे या फिर इंटर प्रेस कर देंगे आपका डिलीट हो गया। जैसे हम इलाहाबाद है इसको डिलीट कर सकते हैं, अल्ट की के साथ डिलीट दबाएंगे, उसके बाद कीबोर्ड से एक बार जो है इंटर प्रेस कर देंगे, हमारा जो है डिलीट हो जाएगा। उसी प्रकार से PNB बना है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ से देखेंगे डिलीट हो गया। अब हम आ जाते हैं बैक। यहाँ से आप ग्रुप बनाना, डिलीट करना और एडिट करना जान गए। तो इस तरह से आप अपने कंपनी में जो ग्रुप बना सकते हैं उसको डिलीट कर सकते हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं। ये चीज़ें हमने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताई।
और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती हो हमारी तो शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम भी आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो आप यदि अब नए आए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।